नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने हंगरी स्पिरिट्स चैनल में। तो दोस्तों, बारी है आपके कमेंट्स की और उन पे चर्चा की। तो बात करने से पहले आप लोगों से गुजारिश, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए और साथ में दोस्तों बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. शुरू करते हैं कमेंट्स का सिलसिला और पहला कमेंट पढ़ते हैं सीमा हिरचन का। ये लिखती है, लव इज लाइफ, आई शो दीपक आई सो स्वीट लव फॉर सोमी, वी लाइक टू सी दे वर्क टूगेदर फ्रॉम सीए यूएस। तो सीमा जी का प्यार दीपक और सोमी के लिए टपक रहा है उनके कमेंट से, जिसमें हार्ट्स भी बनाए हुए हैं और बहुत सारा प्यार भी भेजा हुआ है कमेंट में लपेट के। अब सीमा जी चाहती हैं सोमी और दीपक को एक साथ, मगर किस प्लेटफॉर्म पे ये उन्होंने अभी मेंशन नहीं किया है, टीवी पे, बड़ी स्क्रीन पे या थ्रू आउट द लाइफ एज पार्टनर्स। तो सीमा जी मेंशन कीजिएगा और धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है दोस्तों राहुल कुमार का। ये लिखते हैं कि दीपक पे आप लगातार वीडियो बनाओ, लोग दीपक को देखना चाहते हैं। तो राहुल जी, ये हमने भी फील किया, दीपक पे वीडियो बनाते हैं तो काफी लोग हैं, उनके फैंस हैं जो उनको देखना, उनके वीडियो को देखना पसंद करते हैं। दीपक ने वैसे बहुत सारे फैंस जो हैं अपने बिग बॉस 12 से ही कमाए हैं, पहले उनके फैंस थे, मगर उनकी खुद की जो पूरी एक पूरी बोलते हैं ना कि लाइफ दिखाने के बाद कि कैसे वो लाइफ में मूव करते हैं, वो उन्होंने बिग बॉस के घर में जी है, उसके ऊपर डिपेंड किया है उनके फैन फॉलोइंग का जो ग्राफ बढ़ा है। तो दीपक का वीडियो हम जरूर डालेंगे, आप हमारे वीडियोस को देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू और आपके सुझाव के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट है दोस्तों मनीष पांडे का। ये लिखते हैं, वाह भाई, हलवा बनाने वाली है वर्स्ट विनर एवर बिग हिस्ट्री एवर बिग बॉस हिस्ट्री वर्स्ट एक्टर। तो इनका ये मानना है कि जो दीपिका के बारे में कि वो वर्स्ट विनर है हलवा बनाने वाली, इसलिए इन्होंने बोला कि बिग बॉस 12 में उन्होंने बहुत सारा हलवा बनाया है। तो ये जो बातें इन्होंने लिखी है वर्स्ट विनर, वो चलो अब विनर बन चुकी हैं तो इन बातों का कोई मतलब नहीं बनता है, बट जो आपने वर्स्ट एक्ट्रेस लिखा है वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि एक्ट्रेस वो ठीक ठाक है, काफी अच्छा शो कर चुके हैं, लोगों का दिल जीत चुके हैं अपनी एक्टिंग के बल के ऊपर, इसलिए वो बिग बॉस में शामिल हुई थी। तो एक्ट्रेस अच्छी है, बाकी आपका गुस्सा है क्योंकि आपका कंटेस्टेंट विनर नहीं बना है, तो वो अपनी जगह पे आपका ठीक है, आप अपने कमेंट के जरिए निकाल रहे हैं, मगर किसी की कला को आप प्रेज भी कीजिए, अच्छी एक्ट्रेस है आपको उसकी भी तारीफ करनी चाहिए। थैंक यू मनीष जी आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है दोस्त सोमी खान, ये लिखती हैं टेक केयर सृष्टि रोड, क्योंकि सृष्टि रोड थोड़ी देर पहले ही हॉस्पिटलाइज्ड हुई थी, उसके ऊपर हमने वीडियो डाला था, आपको जानकारी दी थी कि किस तरह जुड़ी हुई है सृष्टि सोशल मीडिया से, कि बीमारी की भी हालत में उन्होंने अपना फोटो शेयर किया इंस्टाग्राम पे। तो सोमी खान, आपका जो ध्यान है सृष्टि की ओर वो बहुत ही बढ़िया है, सृष्टि रोड जरूर जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगी और फिर से अपनी वापिस वाली जिंदगी में आएंगी और वापिस हॉस्पिटल से घर पहुंच भी चुकी होंगी, काफी दिन हो गए वीडियो को डाले हुए भी। तो आपका जो बहुत बहुत धन्यवाद है इस कमेंट के लिए, थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है अर्पित कुमार का, ये लिखते हैं नाइस एंड इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड बाय यू सर। तो इनको हमारे वीडियोस अच्छे लगे हैं, नवीन सर के लिए इन्होंने लिखा है कि आपने जो वीडियो अपलोड किए बहुत अच्छे लगे, आप लोग हमारी प्रेज करते हैं, हमें अप्रिशिएट करते हैं, उसी के दम पर हमें आगे और वीडियोस बनाने का हौसला मिलता है अर्पित जी, बाकी लोग भी बहुत प्रेज करते हैं, थैंक यू सो मच आप सबके लिए, आपके प्यार के लिए। अगला कमेंट है दोस्तों NH1, तो ये इन्होंने बड़ा अच्छा कमेंट दिया है, ये बाहर से है, नाइजीरिया से है, कहीं ऐसे कंट्री से हैं जो हिंदी इनको नहीं आती है, मगर इन्होंने बहुत ही प्यार से लिखा है, नमस्कार वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। तो मुझे ये कमेंट बड़ा प्यारा लगा, क्योंकि हम लोग नॉर्मली अपने वीडियोस के शुरू में नमस्कार वेलकम टू हंगरी स्पिरिट चैनल बोलते हैं, तो ये लाइन उन्होंने लिख के डाली है, इनको अच्छी लगी, इन्होंने बड़े प्यार से उस लाइन को लिखा है और हमारी जो बोलने का तरीका है उसी तरीके में उन्होंने लिखा है, और ये हमें अच्छा लगा कि हम जो बोलते हैं हमारे व्यूअर्स कितना अच्छे से वो सुनते हैं, चाहे लैंग्वेज आती हो चाहे ना आती हो, क्योंकि इनको वो लैंग्वेज हिंदी नहीं आती है, मगर फिर भी इन्होंने हिंदी बोल के हिंदी लिख के इन्होंने अपनी जो है प्यार जो है अपना हमारे चैनल की तरफ दिखाया है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम आप अपना नाम भी लिखिएगा, NH का फुल फॉर्म क्या है वो भी बताइएगा, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कमेंट है दोस्तों रानी खान का, ये लिखती है
सर दीपिका अजमेर गई तो श्री फैन ने ट्रोल किया, उसे कहा कि मंदिर जाओ क्योंकि किसी की लाइफ के बारे में बोलना चाहिए, क्यों किसी की लाइफ में बोलना चाहिए, श्री फैन श्री के जैसे मेंटल हैं। तो रानी खान शुरू से ही हमारे चैनल से जुड़ी हुई हैं और दीपिका की बहुत बड़ी फैन है। ये बात रानी जी की बहुत ही मुझे अच्छी लगी क्योंकि कोई भी जो बंदा है कहीं भी जाने के लिए उसको फ्रीडम है, चाहे वो मस्जिद में जाए, मंदिर में जाए, कहीं भी जाए, किसी को भी ये हक नहीं है कि उसको ये राय देने का कि आप मंदिर में जाओ, आप यहाँ पे क्यों हो। आप एक पसंद और नापसंद का दायरा रख सकते हैं कि मुझे ये पसंद नहीं है, मगर किसी की पर्सनल लाइफ में इतना नहीं घुसना चाहिए। ये मुझे रानी जी का कमेंट अच्छा लगा, इसीलिए मैंने इस वीडियो में शामिल किया। अगर श्री फैंस ऐसा कर रहे हैं तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब लोग जो कैंडिडेट्स अंदर बिग बॉस 12 के घर में थे वो सब किसी न किसी के फेवरेट हैं, और इससे जो फीलिंग्स हैं, जो पर्सनल जो उनकी जो इमोशंस हैं वो हर्ट होते हैं, तो ऐसे कमेंट्स नहीं करने चाहिए। अगला कमेंट है दोस्तों गौरव शर्मा का, ये लिखते हैं सर शिल्पा ने कहा कि उसे खतरों के खिलाड़ी के लिए ऑफर आया था बट उसने रिजेक्ट कर दिया, कहा कि जब अक्षय कुमार होस्ट होंगे तब मैं तभी के करूंगी। तो गौरव शर्मा को शिल्पा की बहुत न्यूज रहती है, बड़े पुराने हमारे व्यूअर हैं और बहुत ही अच्छे से कमेंट करते हैं और हमारी बहुत तारीफ करते हैं, हमें अप्रिशिएट करते हैं। तो गौरव ने ये खबर भेजी है कि शिल्पा ने क्या कहा, तो शिल्पा के बारे में कि मैं जब अक्षय कुमार आएंगे तब मैं के यानी कि खतरों के खिलाड़ी में पार्टिसिपेट करूंगी। हो सकता है भाई शिल्पा शिंदे है, वो कुछ भी लिख सकती हैं, कुछ भी कह सकती हैं, उनको पूरी फ्रीडम है और उस फ्रीडम का वो बहुत ज्यादा फायदा भी उठाती हैं। गौरव थैंक यू आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए और आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है दोस्तों रीना नंदा, ये लिखती हैं 2019 की सबसे अच्छी न्यूज है वापिस मत आइएगा, कुछ अच्छा काम करो, खुद जियो और दूसरों को शांति से जीने दो। तो रीना नंदा ने ये कमेंट किया है शिल्पा शिंदे की वीडियो पे जो हमने डाला था कि जब हमें न्यूज मिली थी कि शिल्पा शिंदे ने ट्वीट से अपना अकाउंट जो है वापस कर ले लिया है, यानी कि वो लॉग आउट हो गई हैं, टोटली वॉश आउट हो गई हैं ट्वीट से, उन्होंने अपना अकाउंट बंद करवा दिया है। तो ये उन्होंने इसके ऊपर बड़ी ही अपनी खुशी जाहिर की है कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी न्यूज है, वापिस मत आना, जीने दो, जियो और जीने दो। तो ये बड़ा अच्छा सा कमेंट लगा मुझको, उनको रीना जी को बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि उनका फीलिंग जो इस कमेंट के जरिए आई है, क्योंकि शिल्पा काफी कुछ ऐसा करती भी है ट्वीट में और उन्होंने काफी कुछ सीधे सीधे शब्दों में भी बोला था कि वो उनकी रूटीन क्या है, ऐसे करना, ट्वीट करना, लोगों को तंग करना इतने बजे से इतने बजे तक, वो सब चीजें उन्होंने इसमें डाली थी। तो ये सब जो है जैसे वो करती है ट्वीट करती है, तो अगर उनको एंटरटेन करते हैं लोग उनके ट्वीट को तभी वो इतना ज्यादा करती है, अगर आप लोग एंटरटेन करना बंद कर देंगे तो उनका ट्वीट करना अपने आप ही बंद हो जाएगा, वैसे ऑलरेडी वो ट्वीट से अपना अकाउंट निकाल चुके हैं। थैंक यू रीना जी आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है दोस्तों पूजा का, ये लिखती है क्या मस्त लग रहे हैं आप दोनों नारियल पानी पीते हुए। थैंक यू पूजा, इससे पता चलता है कि हमारे व्यूअर्स हमें कितने ध्यान से देखते हैं। मेरी और नवीन जी की एक फोटो में जिसमें हम नारियल पानी पी रहे हैं उसके ऊपर पूजा ने कमेंट किया है, थैंक यू पूजा सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के कमेंट जो मैंने अपने वीडियो में शामिल किए, अगले हफ्ते फिर से शामिल करेंगे आपके सुंदर सुंदर कमेंट, आप लोग कमेंट भेजते रहिए, हम लोग शामिल करते रहेंगे और इस वीडियो की ड्यूरेशन को और भी बढ़ाते रहेंगे। आज 10 कमेंट किए हैं, नेक्स्ट टाइम 12-15 भी करेंगे, तो आपके कमेंट भेजिए और देखते रहिए हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.